और सिर्फ मैं ये करना चाहता था कि ये आज जो वफाकी वज़रा को लेकर आए हैं कि अपनी कारकर्दगी दिखाएं, इंशाअल्लाह ताला हमारा एक सेक्रेटरी जनरल ही कल्ला ही ना सारे बसे काफी है। कि इजलास के आगाज में राणा मशहूर साहब ने ये फरमाया कि इस वक्त विजिटर गैलरी में उनके वफाकी वज़रा बैठे हुए हैं, तो हमने उस पर कोई इतराज़ नहीं किया। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता था कि मेहमानों की गैलरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब बैठे हुए हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। और सिर्फ ये अपनी बात करने के बाद हमारी बात सुने, अगर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे हम उन्हें बात नहीं करने देंगे, हम बात नहीं करने देंगे। पहले ये कमिटमेंट दी जाए कि हमारी बात सुनी जाएगी। जी एतमाद के वोट का ताल्लुक है तो मैं समझता हूं कि मुझे इस बात पर कतई तौर पर कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कि गुज़श्ता 6 महीने से जो भी इवेंट्स हुए हैं अदालतों के हवाले से, अल्लाह ताला के फजल व करम से इनकी जो लीगल टीम है उसने मास आए इनका मुंह काला करवाने के कोई दूसरा काम। जनाबे स्पीकर ये वही लोग हैं कि जिन्होंने हमजा को वजीर आला बनाया पुलिस के जरिए, अदालत ने बाकायदा उस वजीर आला के मुतलक फैसला दिया कि ये शख्स अपने नाम के साथ सबका वजीर आला भी नहीं लिख सकता, तो सो इनकी कानूनी सोच जो है वो तो ये है। लेकिन चूंकि ये मामला अदालत में देर समात है, मेरी इस्तदा होगी कि इसके अलावा पॉलिटिकल सिचुएशन पे ये बात करें, जब एतमाद लेने का वक्त आया इंशाअल्लाह ताला हम पहले भी इनसे जीते थे आइंदा भी इनसे जीतेंगे।